तो अगर मैं इसको इस तरीके से मूव कर रहा हूं तो यहां क्या हो रहा है, इधर नोड, उधर भी नोड, और बीच में क्या है, एंटी नोड। और ये जो बीच का रीजन है, दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का जो रीजन है, वो कहलाता है एक लूप। ये बात समझ में आ गई क्या? ये कहलाता है आपका सेकंड हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड के बाद जो अगला मोड होता है वो यही होता है। यहां पे आप देखेंगे एक नोड ये रहा, एक नोड वो रहा, एक नोड वो रहा, और बीच में क्या है, बीच में यहां पे दो लूप बन रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, यहां पे दो लूप बन रहे हैं। एक नोड बिल्कुल यहां मेरे मुंह के सामने है, ऊपर लिखा हुआ भी है, ये लिखा ऊपर, ठीक है, एक नोड इधर है, एक नोड इधर है, और बीच में यहां पे दो दो लूप बन गए, दो एंटी नोड भी आ गए। तो तीन लूप अगर बनाने तो वो इस तरीके के बन जाएंगे, देखे क्या, एक नोड वो रहा, एक नोड ये रहा, एक नोड ये रहा, चार नोड हैं और तीन एंटी नोड हैं, तो लूप कितने हैं, तो यहां पर तीन लूप बन रहे हैं।